ओह शिट, ये भी बुरी तरह से फंस गया, ये भी बुरी तरह से फंस गया ना। हम लोग ना अभी 16,000 फीट के ऊपर में है और ऐसा है कुछ नजारा, और पीछे देख सकते हैं मेरा व्यू, देखिए ना आप क्या लग रहा है ना। यहाँ पे बहुत लोगों का ना भीड़ है, तो देख सकते हैं बहुत सारा दुकानें भी है यहाँ पे। और हम लोग आए थे कटाऊ, और हम लोग का कट गया यहाँ पे, क्योंकि सोच के आए थे हम लोग की रास्ते में मिलेगा, उसके बाद हम लोग क्रॉस करके पहुंचते हैं जीरो पॉइंट। और यहाँ से लाचुंग से जीरो पॉइंट का किलोमीटर है कम से कम 50-51 किलोमीटर समथिंग, और उसके बाद हम लोगों को वापस आना है लाचुंग। लाचुंग आने के बाद हम लोगों का रूट चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों को जाना है कटाऊ। तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है आज का ये जर्नी हम लोगों का, कैसा क्या होता है रास्ते में, क्या होता है लोकेशन में, क्या होता है सब कुछ आप लोगों को बताएंगे इन डिटेल में। व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर नए हो चैनल में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो लेट्स गो, चलो ब्रेकफास्ट, और अभी ज्यादा देर नहीं करेंगे यहाँ से निकल लेंगे हम लोग। यहाँ से चेक करिए पहाड़, पूरा बर्फों का पहाड़। चलो ऑल सेट, अभी कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। फुल्ली पैक हो चुका हुआ हम लोग पूरा अच्छे से। चलो निकलते हैं। जय शंकर बाबा, जय शिव शंभो, जय शंकर बाबा। ठीक है भैया, चलो। यहाँ पे रास्ता डिवाइड होता है, तो हम लोग जाएंगे पूरा सीधा यमथांग, और ये जो रास्ता जाता है ना, ये जाता है कताऊ। तो चलो हम लोग सीधा जाएंगे यमथांग, और यमथांग एक फैली है जो फेमस है बहुत फ्लावर के लिए। वहाँ पे हर मतलब बहुत किस्म का फ्लावर उगता है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को फ्लावर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी सीजन नहीं है। जो हम लोगों का होमस्टे का केयर टेकर था, उन्होंने बोला अभी टाइम हुआ है 8:22। ओहो, पहाड़ का नज़ारा कुछ अलग ही होला है, और हम लोग जितना नज़दीक आ रहा है ना, उतना फैली थोड़ा नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं वहाँ पे। ओहो, और रास्ता तो ऐसा ठीक है भाई, बढ़िया है। कल इतना बारिश हुआ था ना रात को, हम लोगों ने तो सोचा था कि क्या ही होगा आज सुबह, लेकिन आज सुबह तो पूरा वेदर क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो यार फिर से कंटिन्यू कर दिया। बीच में ना पुलिस ने रोका था, तो बोला था कि यहाँ पे सीज कर देगा, आगे बेस वगैरह है, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं किया था। तो यमथांग वैली जो फेमस है फ्लावर के लिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लावर देखना शुरू हो चुका है। और यही यहाँ से यमथांग वैली है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। और यहाँ से भाई नज़ारा कुछ और ही है, देख सकते हैं पूरा स्नो का पहाड़ है। बाप रे, क्या लग रहा है भाई।
ओए होए 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 होए, क्या लग रहा है ये पहाड़ पूरा स्नो से भरा हुआ है। और हम लोगों को जाना है अभी इसी तरह ऊपर जाएंगे, अभी स्नो मिलेगा थोड़ी देर बाद हम लोगों को। आने के टाइम पे हम लोगों को बीच बीच पे ना वाटर क्रॉसिंग भी मिला था, तो अच्छा लगा बाइक चला के, लेकिन उस टाइम पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बेस कैंप भी था, तो इसीलिए हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। गोप्रो पूरा खोल के बैग में रखा था। और यहाँ पे दिखिए ना फ्लैग वगैरह जो है ना, वहाँ पे भी बहुत सारा फ्लैग है। और पहाड़ दिखिए ना यार, क्या लग रहा है यार। और ये है रास्ता, वो देखिए ना, वो कुछ स्नो तो है पहाड़ में, लेकिन बीच में ना वो सफ़ेद जला जो दिख रहा है ना आप लोगों को, वो एक वाटरफॉल भी है। क्या व्यू है यार। रास्ता ओ यहाँ पे तो यक है, तो ये यक है, ये भी एक दूसरा कलर में है यक। सिक्किम भी फेमस है बहुत कि यक के लिए। बीच बीच में ना ऐसा यक हम लोगों को मिल रहा है। और ये वाला रास्ता पूरा टूटा हुआ है, शायद बनेगा। ओ तेरी, यहाँ पे भी बहुत सारा यक है, 1 2 3 4। अरे वाह, होय 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 होय, यहाँ से ना क्या लग रहा है ना, पूरा स्नो कवर हो रहा है। और गाड़ी भी एक दो आ रहा है ना यहाँ से तो, और बर्फ़ मिलना शुरू हो चुका है, वो अच्छा लग रहा है भाई। चलो आगे जाके ना बर्फ़ दिखाते हैं आप लोगों को। ओए और यहाँ से पूरा शुरू हो चुका है बर्फ़। और यहाँ पे मिला है एक वाटर क्रॉसिंग। ओए होए 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 होए, अच्छा लगता है ये सब मिलने से भाई। चलो अच्छा है, हिमालयन इन हिमालय फाइनली ला चुका हूँ अपना हिमालयन पूरा हिमालय में है ना। और सामने देखिए व्यू, हॉट स्प्रिंग 10 मिनट हुआ। ओए अच्छा, हॉट स्प्रिंग जाते इस तरफ तो 10 मिनट वॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और देखते हैं अगर पॉसिबल होगा हम लोग भी जाएंगे हॉट स्प्रिंग इस तरफ है, पॉसिबल होगा तो हम लोग भी जाएंगे एक बार हॉट स्प्रिंग। चलते हैं आगे, ठीक है आगे आगे। युमथंग है आगे, तो बीच में मिला था हम लोग का एक पॉइंट जो हॉट स्प्रिंग जाता है। यहाँ पे लिखा था एक 10 मिनट वॉक है, वॉकिंग डिस्टेंस। और बीच बीच पे ये वाटर क्रॉसिंग, आय हाय हाय हाय, क्या ही मैं बोलूं यार, क्या ही मैं बोलूं। चलो यमथंग 1 किलोमीटर शायद हम लोग यमथंग पहुंच गए। यहाँ पे बहुत लोगों का ना भीड़ है, तो देख सकते हैं बहुत सारा दुकानें भी है यहाँ पे, और लोग बहुत है भाई, शॉपिंग करते हैं सारे, कुछ मार्केट वगैरह भी हो सकता है। हाँ बहुत सुंदर है ना, अच्छा यहाँ पे कैफे वगैरह भी है। और आगे होगा शायद हम लोगों का 0 पॉइंट भी शायद आगे होगा, और हम लोग जाएंगे आगे सीधा। देखते हैं अमित आते हैं उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। यमथंग पहुँच गए हम लोग यमथंग। ओहो यहाँ पे तो अलग किस्म का ही फ्लैग है, चारों तरफ ना फ्लैग ही फ्लैग है। और वहाँ पे एक लेक, हम लोग पहुंच चुके हैं यमथंग वैली। और पीछे देख सकते हैं मेरा व्यू, देखिए ना भाई साहब क्या लग रहा है ना। और आगे है ना एक छोटा सा लेक, तो वहां तक भी जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे अभी 0 पॉइंट तक। आने के टाइम ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव है 0 पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे इतना स्नो है नहीं, तो आगे जाके हम लोग को मिलेगा स्नो। और लाचुंग था 9000 फीट के ऊपर में, और अभी और ऊपर में आ गए हम लोग 12000 फीट के ऊपर में। और बीच बीच में ना हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, क्योंकि बीच बीच में आर्मी का कैंप भी था, और वहाँ पे ना
शूट करना मना था, इसलिए बीच बीच में ना गोप्रो निकाल के जितना पॉसिबल हो सके हम लोगों ने फोटेज लेने की कोशिश की और दिखा दिया आप लोगों को। और अब हम लोग जाएंगे आगे, आगे एक बेस कैंप है, वहाँ पे थोड़ा शायद प्रॉब्लम करेगा, इसलिए फिर से हम लोग खोल देंगे यहाँ पे वापस अपना गोप्रो और जाएंगे टुवर्ड्स जीरो पॉइंट। देखते कितना पॉसिबल हो सके आप लोगों को हम लोग व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो लेट्स गो और देखो यार व्यू, देखो यार भाई क्या लग रहा है यार। हम दोनों आ चुके हैं ऐसा एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा आप लोगों को। देख सकते हैं पूरा बर्फ से भरा हुआ है पूरा माउंटेन, देखिए ना चारों तरफ ना पूरा स्नो ही स्नो है। और यहाँ से जीरो पॉइंट है 2 किलोमीटर दूरी में और बहुत ही कंफ्यूजन था हम लोग क्योंकि बीच बीच में ना लोग बोल रहे थे कि गोप्रो अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने गोप्रो कंटिन्यू नहीं किया था। तो यहाँ पे एक आदमी को पूछा तो बोला कि यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, तो इतना रिस्क नहीं लिया है ना। तो बहुत लोग बोला कि यहाँ पे गोप्रो सीज भी कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया था। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट जीरो पॉइंट जो कि ये 2 किलोमीटर दूरी में। और जो व्यू है ना भाई लोग देख रहे हैं आप लोग, बाप रे क्या खतरनाक व्यू है ना, पूरा माउंटेन जो है ना पूरा भरा हुआ है, पूरा स्नो भर भर के वहाँ पे। और उस तरफ जाना है हम लोगों को, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे 2 किलोमीटर दूरी में और वहाँ पे होगा जीरो पॉइंट। तो देखते चलिए, बर्फ तो फाइनली हम लोगों को मिल ही गया और थोड़ा बहुत खेलेंगे वहाँ पे जाके जीरो पॉइंट में, कैसा है कैसा नहीं आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। और रूट जो है ना पूरा सीधा एंड सिंपल रूट है, एक ही है, बीच में हम लोगों को कहीं ब्लैक आइस नहीं मिला। और यहाँ पे ना थोड़ा सांस थोड़ा दिक्कत आएगा बहुत लोगों को, अगर आप लोगों को थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है तो कैरी करिए ऑक्सीजन बॉक्स, तो बहुत आसानी होगा ना। तो चलिए आगे जाएंगे और गोप्रो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, चलिए। ये वाला तो व्यू है ना यार, मिसिंग था यार वहाँ पे, बहुत लोग बोला कि मेरा खोलो, उसके बाद बोला कि करो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली थोड़ा बहुत रिक्स लेके ना गोप्रो लगा लिया और बेस कैंप वगैरह जो होगा ना वो आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा रास्ता। और यहाँ से यार क्या ही यार व्यू है यार, क्या लग रहा है यार, इतना रिक्स लेके वीडियो बना रहा हूँ यार, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लगा है, कमेंट भी कर देना प्यारा सा कमेंट। और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, मेहनत कर रहा हूँ है ना। और देखो यार क्या व्यू है यार, और टूरिस्ट पॉइंट जो है ना हम लोग पार कर चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों के अलावा ना कोई नहीं है। और जाएंगे थोड़ा दूर आगे, 2 किलोमीटर बोला, कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग आ ही गए और जाना है। और जाते समय आप लोगों को टूरिस्ट पॉइंट भी दिखाते लेके जाऊंगा। और यहाँ से ना बर्फ का जो पानी है पिघल के जा रहा है पूरा नीचे की तरफ, इसलिए थोड़ा बहुत वाटर क्रॉसिंग दिखने को मिल रहा है अभी। ये जो वाटर क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है ना ये सब बर्फ पिघल के आ रहा है ऐसा पानी। अरे यार कहाँ आ गया यार बर्फ की दुनिया में। वाव यार वाव, ये रहा बर्फ जो रास्ते से साफ करते हैं ना वो वाला मशीन, क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जीरो पॉइंट का मेन बोर्ड और हम लोग 16,000 फुट में आ चुके हैं अभी, 16,000 फुट नॉट अ जोक। हम लोग अभी पूरा प्रॉपर जीरो पॉइंट में है, ये रहा बाइक, ये रहा मेन जीरो पॉइंट, हम लोग अभी 16,000 फुट में है। हम लोग ना अभी 16,000 फीट के ऊपर में है और ऐसा है कुछ नज़ारा। और ना यहाँ पे बहुत सारा दुकान भी है, शायद अभी बंद है क्योंकि स्नोफॉल शायद बहुत तगड़ा हुआ था, तो इसीलिए ये वाला रास्ता शायद ब्लॉक था और दुकान वगैरह ना बंद है। और टूरिस्ट लोगों को ना इतना लाता नहीं है यहाँ पे। और आगे एक व्यू पॉइंट है आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा क्योंकि वहाँ पे आर्मी वगैरह भी है और इतना वीडियो करने का कुछ अलाउ नहीं है, तो जितना हो सके पॉसिबल जितना हो सके आप लोगों को बेस्ट बेस्ट व्यू दिखाता रहूँगा। और यही है मेन जीरो पॉइंट। और आप लोगों को बोल सकता है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग है वो वाला एक जीरो पॉइंट का व्यू पॉइंट है, लेकिन असल में वो वाला एक व्यू पॉइंट है और मेन व्यू पॉइंट है ना यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा 16,000 फीट में। सांस थोड़ा फूल रहा है, फाइनली
आ चुका हूँ पूरा जीरो पॉइंट पे, और इस बार ना 16,000 फीट के ऊपर में भी हूँ। कर दिया भाई, कर दिया मस्त। ऐसा है कुछ नजारा यार। हम लोग ना 3 किलोमीटर क्रॉस करके गए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं मेन जो व्यू पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट ही बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी मिलेगा आप लोगों को, और लग गया था यहाँ पे ना, बहुत सारा गाड़ी मिलेगा आप लोगों को, और टूरिस्ट कैब से जो आते हैं ना यहीं पे उतार देते हैं और बोलते हैं कि यही है जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट असल में 3 किलोमीटर दूर में पड़ता है, और वहाँ पे लिखा होगा आपका 16,000 किलोमीटर फुट का बोर्ड। मेन वाला जो जगह है ना, ये लोग वहाँ तक ले जाता नहीं है, और यहाँ पे ना एक गाड़ी पूरा फंस गया यहाँ पे, और रास्ता हो गया पूरा ब्लॉक। क्या यार, फंस गया बुरी तरह से यहाँ पे, पूरी तरह से फंस गया। ये भी ना सुमो भी फंस गया यहाँ पे, पूरा उपाय नहीं है ना। कहाँ घुसा दिया यार, उपाय नहीं ना, क्या करेगा। ओह शिट, ये भी बुरी तरह से फंस गया, ये भी बुरी तरह से फंस गया ना। जैसे तैसे आ गया रोड में यार, फक। वो ट्रक जो आया था उस टाइम मैंने साइड में लगा दिया था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ गया बाइक। हाँ, बीच बीच में। ओ भाई, बोला कि गोप्रो अलाउ है कि नहीं, मैंने बोला कि बीच बीच में तो हम लोग करके आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा परेशानी होता है ना। फिर वाले रास्ते से आ गए हम लोग, अभी ठीक ही है, अभी गाड़ी सिर्फ जा रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक का सीन नहीं है। चलो आगे जाके बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि आगे एक चेक पोस्ट है, और हम लोग ना बीच बीच में थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए रिस्क ज़्यादा नहीं लेके आगे मिलते हैं। चलिए, आने के टाइम हम लोग नीचे होके आए थे, ऐसे नीचे होके ऐसे ऊपर होके हम लोग आए थे और गए थे उस तरफ, लेकिन हम लोग अभी जाएंगे पूरा नीचे की ओर। और यहाँ से देखिए ना व्यू कैसा है। हाँ, और ये सब ना पार करके हम लोग गए थे पूरा जीरो पॉइंट। चलो अभी जाएंगे पूरा नीचे, लेट्स गो। यमथंग वैली पहुंच गया हम लोग, और आने के टाइम पे आप लोगों को दिखाया था वहाँ से फ्लैग का नज़ारा थोड़ा। अभी हम लोग है मेन वाला जो फ्लैग है ना, यहाँ पे इतना सारा फ्लैग देख के ना क्या लग रहा है ना, बहुत हर अलग अलग किस्म का फ्लैग है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब कलरफुल है, और यहाँ पे ना बहुत सफ़ेद कलर का फ्लैग बहुत ज़्यादा है, और इतना हवा में फ्लो हो रहा है ना, देख के ही थोड़ा अलग लग रहा है ना। और यहाँ पे नदी भी है, थोड़ा लेक भी, और हम लोगों के अलावा यहाँ पे है नहीं कोई। और अभी ना ऊपर जीरो पॉइंट में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि बंद होगा रास्ता, और पूरा वैली इतना अच्छा लग रहा है ना, और नीचे लेक बह रहा है पूरा, और यहाँ पे है फ्लैग, हम लोग का है बाइक यहाँ पे, और उस तरफ है पूरा पहाड़ों में। ओए होए होए, क्या सही लग रहा है भाई, और ये जो फ्लैग हवा में आ रहा है ना, अलग लेवल, क्या अलग लेवल।
और यहाँ पे ना कम से कम 500 झंडा होगा यहाँ पे आराम से 500 इतना सारा है यार। टूरिस्ट लोग ना सुबह ही आते हैं, फ्यू एंजॉय करते हैं और चला जाते हैं। और शायद यहीं पे क्या मिलेगा यार, वो गैंगटॉक 140 और लचुंग 23 किलोमीटर हम लोग जाएंगे या वापस लचुंग, वहाँ से हम लोगों का रास्ता अलग होगा। और यहाँ पे ना क्या मस्त लगता है यार फेली, वाह जितना देखूँ ना मन भरता नहीं है। ये तो पहाड़ देख रहे हैं ना आप लोग, वहाँ से आए हम लोग और जाएंगे अभी लचुंग और वहाँ से करेंगे कताऊ तक का सफ़र, देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। ओ यहाँ पे तो उल्टी करता है बहुत लोग, ओ बाप रे खतरनाक सीन है भाई, मैं देख नहीं सकता दूसरे को उल्टी करता हुआ। और सब टूरिस्ट लोग शायद 0 पॉइंट से घूम के आ गए यहाँ पे। यहाँ पे है अमथंग वैली का बाज़ार, तो यहाँ पे आप लोगों को गर्म कपड़ा मिलेगा और कुछ खाने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रुकेंगे नहीं हम लोग, जाएंगे सीधा। तो आते समय तो आप लोगों को ये वाला रास्ता दिखाया था और चलो डायरेक्ट लचुंग में खाते हैं, पूरा खाना खाते हैं। वापस आ गए पूरा हम लोग का होटल में और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल लेंगे डायरेक्ट कटाऊ तक। और कटाऊ यहाँ से 25 किलोमीटर होगा, तो शायद खुला मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 2:50, तो देखते हैं खाना खाने के बाद ना निकल लेंगे। खाने में चावल, चिकन, पापड़, दाल, ये थोड़ा बार वगैरह खा लिया तो ठीक है, खा लेते पहले खाना उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। चलो ऑल सेट, खाना खा लिया बढ़िया से, अभी फिर से जाना है हम लोगों को उसी रास्ते से, दिखाएंगे आप लोगों को मोटर व्लॉगिंग में। चलो हम लोग आप पहुंचे वही पॉइंट में जिस पॉइंट से हम लोग गए थे, सीधा गए थे हम लोग यमथंग वैली और 0 पॉइंट। और अभी हम लोगों का रूट थोड़ा चेंज होगा, अभी हम लोग जाएंगे राइट साइड जो कि है कटाऊ साइड, और यहाँ से कटाऊ 25 किलोमीटर दूरी में पड़ता है और रास्ता पूरा सीधा है। लेट्स गो, वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट। आए हैं उसी रास्ते से, तो देख सकते हैं सांप जैसा रास्ता है ना पूरा ऐसा ऐसा करके। तो आगे हम लोग कटाऊ में, और अमित भाई बारिश भी शुरू हो गया ना, हम लोग आए थे कटाऊ और हम लोग का कट गया यहाँ पे, क्योंकि सोच के आए थे हम लोग कि इंडिया चाइना बॉर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा अलग ही सीन है। शायद हम लोग थोड़ा टाइम भी मेंटेन नहीं किया, थोड़ा टाइम भी हो गया ना हम लोगों का, अभी टाइम हुआ है 4:15, 4:15 हो गया और शाम भी होने का वक्त है ना, तो इसीलिए। और यह जो सीधा मेरा राइट है ना, वहाँ पे आर्मी कैंप है पूरा बेस कैंप, लेकिन बेस कैंप हम लोग नहीं दिखाएंगे ना, थोड़ा प्राइवेसी है तो इसीलिए, क्योंकि चाइना बॉर्डर शेयर करता है ना। तो यही है था, यही है भाई कटाऊ, और सोचा था कि हम लोगों को इंडिया चाइना बॉर्डर देखने को मिलेगा, तो बस यही से हम लोग जाएंगे। और आज तक हम लोग 3 जगह कवर किया, एक है यमथंग वैली, दूसरा 0 पॉइंट और तीसरा यहाँ पे कटाऊ। चलो और आप लोगों को अगर देखना है इंडिया चाइना बॉर्डर तो आप नाथुला जाओ, ईस्ट सिक्किम सब दिखाई देगा अच्छे से, पूरा ऐसे करके आप लोग जा पाएंगे। ये आ गया इंडिया, ये चाइना, पूरा अच्छे से ना। ये रहा कोनभो टाइमिंग, और बाइक यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहा है ना, टाइमिंग भी हो गया, बाइक कर दिया था यहाँ पे पार्किंग, अभी जाएंगे रिटर्न हम लोग का होटल में। चलो खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर से हम लोग चला गया कटाऊ,
बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, थक भी गया बहुत ज्यादा क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बाइक चलाया हम लोगों ने। टोटल किलोमीटर चलाया आज कम से कम 130 किलोमीटर, तो 130 और 140 के बीच में होगा और बहुत ही तगड़ा एडवेंचर होगा। ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे बोलना मत भूलिएगा, और ये वाला वीडियो इतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अभी बढ़िया से कपड़ा खोलेंगे, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके ना वीडियो एडिट करना है थोड़ा, उसके बाद खाना खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। और कल हम लोग कहाँ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।